बिसमीम एथिकल कॉन्फिडेंशलिटी का स्टेशन आता है आपके पास स्टेशन पे क्वेश्चन होगा कि कोई वाईफाई आई अपने हस्बैंड के रिलेटेड आपसे इन्फॉर्मेशन लेना चाह रही है या फिर एक स्नारी आता है कि एक फ़ीमेल आती है आपके पास वो अपनी फैमसी से रिलेटेड उसकी आ, जो भी उसको बीमारी है उससे रिलेटेड पूछना चाह रही है कि वो आपके पास आया था उसने आपके साथ क्या डिस्कस किया सो so, ये सारे इश्यूज एथिकल कॉन्फिडेंशियलिटी में आते हैं आपने उसको कैसे डील करना है सबसे पहले आपके पास अगर कोई आ रहा है तो जैसे पहले हमने सारे सनारी में किया है कि अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग मेरा नाम डॉक्टर मिनाहल है आपका क्या नाम है और कैसे आना हुआ जो बाकी थे ना सिचुएशन उसके अंदर हम आ, प, उस पेशेंट को डील कर रहे थे अभी हम पेशेंट के रिलेटिव को डील कर रहे हैं तो आपने उससे पूछना कैसे आना हुआ वो बताएगा कि मैं आ, बताएगा या बताएगी कि मैं आ, लाइक like, मेरे uh, um, कोई um, किसी से रिलेटेड ना अपने आपके एक पेशेंट से रिलेटेड आपसे इन्फॉर्मेशन लेना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ तो आपने उससे पूछना कि आपका उसका उससे क्या ताल्लुक़ है आप उसके क्या लगते हैं या आप उसकी क्या लगती हैं आपको अपना रिलेशन बताएगा तो फिर आपने पूछना कि आप क्या जानना चाहते हैं उनके बारे में तो उसका पहले उसकी पहले बात सुननी है पूरी के वट डज शी और ही वॉन्ट्स टू नो वॉन्ट टू नो सॉरी तो आप वो बताएँगे कि अच्छा वो पूछना चाह रही हैं कि वो आपसे किस मसले के तहत आए थे आपने उनको क्या बताया उनको क्या हुआ तो उसमें आपने फिर आगे एक्सप्लेन करना है कि इट्स अगेंस्ट आर एथिकल आर मेडिकल एथिक्स के हम अपने किसी भी पेशेंट का कोई डाटा किसी भी पर्सन को दें विदाउट हिज और हर परमिशन के मेडिकल कॉन्फिडेंशलिटी हमारे मेडिकल एथिक्स में यही है कि हम मेडिकल मेडिकल कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं कर सकते हम अपने पेशेंट का डाटा हम किसी को नहीं देख सकते तो ये बात हमने उसको बतानी है। और साथ अच्छे अल्फाज में इस तरह बतानी है कि मुझे पता है आप उनके बहुत क्लोज हैं आप उनसे बहुत प्यार करते हैं मोहब्बत करते हैं और आपको उनकी फ़िक्र है और जब इंसान किसी की फ़िक्र करता है तो उसकी खैर खबर रखना चाहता है तो वो चाहता है कि उसको उससे रिलेलिवेंट सब कुछ बताओ लेकिन क्योंकि ये हमारे लिए मेडिकल एक रिस्ट्रिक्शन है हमारे मेडिकल एथिक्स के अगेंस्ट है तो मैं आपको नहीं बता सकती ये आपने उसको एक्सप्लेन करना है सिर्फ साथ प्रिवरेज कम्युनिकेशन का इधर आप रेफरेंस दे सकते हैं कि बता सकते हैं कि हम सिर्फ उस केस में अगर कोई इस ऐसा मसला होता है लाइक उससे कोई ऐसी कोई छूती बीमारी होती कोई इन्फेक्शस डिज़ीज़ जो कि फैलने वाली है कुछ इस किस्म की बीमारी होती या फिर कोई किसी को रिसर्च डाटा चाहिए या ए... के कोर्ट की तरफ से कोई स्पेसिफिक कंडीशन में ऑर्डर हो तो हम सिर्फ और सिर्फ उन केसेस में बता सकते हैं उसके अलावा हम लोग अपनी जो से किसी भी पेशेंट की इंफॉर्मेशन है वो लीक नहीं कर सकते किसी थर्ड पार्टी को नहीं दे सकते क्योंकि हमने थोड़ा सा उसको वो फोर फाइव मिनट्स में ये कम्प्लीट करना है ना कन्वर्सेशन को लाइक थोड़ी इतनी लेंथी होनी चाहिए तो आप बीच में प्रब्लिश कम्युनिकेशन वाले पॉइंट्स का भी जिक्र करते हैं साथ में आपने बताया कि आप बेफिक्र रहिए उनकी यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट हो रही है और उनकी ट्रीटमेंट जारी रहेगी हमारी इस मीटिंग के बाद भी उनकी ट्रीटमेंट जारी रहेगी इसका उनके इस पर कोई असर नहीं होगा आपके और मेरे दरम्या की गई बात को सीधा इराज में रखा जाएगा ठीक है और फिर आपने बताना कि उनकी ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहेगी वो जल्द ही रिकवर भी हो जाएंगे और देन आपने पूछना है कि आपने आपको मेरी बात समझ में आ गई है आपने क्या अखज़ किया जो मैंने बात बताई है उसको अपने अल्फाज में थोड़ा एक्सप्लेन करने को आपने कहना आपने उनसे वैसे ही पूछने कि आपको मेरी बात समझ में आ गई है आपका कोई सवाल हो तो पूछ लें और फिर बाद में ग्रीटिंग्स यानी अला हाफिज़ तो देट वॉज ऑल अबाउट के एथिकल कॉन्फिडेंशियलिटी का अगर केस आता है तो आपने उसको कैसे डील करना है अब इससे जब भी बी एस के स्टेशन में आता है ऑस्पी में तो आपने डायरेक्ट जाके जो तो सब्जेक्ट बैठा होता है जो पेशेंट बैठा होता है आपने उसको आप, ही जाके उसी से बातचीत करनी हो तो आपने ऐसे एग्जामिनर को नहीं लाइक आपका फ़ेस भी ना सिर्फ अपने उस पेशेंट की तरफ आपने ऐसे सपोज़ करना है कि एग्जामिनर वहाँ है ही नहीं एग्जामिनर को आपने कब रिस्पॉन्ड करना है जब आपको वो कोई क्वेश्चन करता है लाइक अगर ये एथिकल कॉन्फिडेंशियलिटी यानी इससे रेलिवेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आपसे पूछ सकते हैं कि आ, ये क्वेश्चन आ सकता है जैसे पूछेंगे आपसे कौन कौन सी कंडीशन हैं कि जिनके अंदर एथिकल कॉन्फिडेंशलिटी ब्रीच हो सकती है तो एक तरह से था कि फीमेल रिक्वेस्टेड टू गेट इन्फॉर्म्ड अबाउट मेंटल हेल्थ ऑफ हर फ्यम हु इज अंडर योर ट्रीटमेंट एज अ डॉक्टर हाउ विल यू रिस्पॉन्ड तो एज अ डॉक्टर ये वे सी क्यू का पास्ट एस सी क्यू का क्वेश्चन था कि अगर वो आपसे ये तो आपने सारी उसकी ले ली ना उसकी असेसमेंट कर लिया उससे बात कर लिया जो आपका सब्जेक्ट था अगर वो आपसे पूछते हैं टीचर स्टेशन पे पूछते हैं कि आपको कैसे डॉक्टर क्या करता होता है तो डॉक्टर ने बताना होता है कि इट्स अगेंस्ट मेडिकल एथिक्स टू ब्रीच कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ एनी पर्सन विदाउट एनी ऑथराइज कॉज और इवन के कुछ कंडीशन में आपको मेडिकल लाइसेंस को भी ना ऑन रिस्क पुट कर सकता है Uh, ये तो इसमें नहीं आएगा ना ये तो ऐसे क्यों रेलिवेंट ये वाला ऊपर वाला पॉइंट था जब अगर हम लोग ऑस्पी में करेंगे तो जो मैंने सारा पैटर्न अभी बताया है ये वाला वो सारा आ जाएगा इसके अंदर एथिकॉल कॉन्फिडेंशियलिटी आपसे रेलिवेंट क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि किन कंडीशन में कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो सकती है तो वो आपने ये कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीचिंग कंडीशनस बतानी है कि अगर पेशेंट ऑथराइज़ करे टू डू सो इन सीकिंग एम्प्लॉयमेंट मेडिकल रिपोर्ट और ओपिनियन फॉर एम्प्लॉयर और रिपोर्ट प्रिपेयर फॉर दिस सेकेंड ओपिनियन जब आपको जो पेशेंट है वो खुद ऑथराइज़ करे खुद वो आपसे मेडिकल रिपोर्ट्स चाहे कि उसने कहीं पे किसी जगह पे नौकरी के लिए चाहिए कोई डॉक्यूमेंट्स के लिए चाहिए तो तब आप मेडिकल ये है कॉन्फिडेंशलिटी ब्रीच हो सकती है मेडिकल रिपोर्ट्स आप उसे दे सकते हैं किसी इंप्लॉय एम्प्लॉयमेंट सीख करने के लिए कहीं जॉब हासिल करने के लिए या फिर किसी दूसरे डॉक्टर से सेकेंड ओपिनियन के लिए उसे चाहिए हो वैन इन्फॉर्मेशन इज़ टू बी शेयर्ड विद इन हेल्थ टीम जब हेल्थ टीम में रिसर्च वर्क के लिए या फिर किसी भी पर्पज़ के लिए विद इन हेल्थ टीम आपने किसी पेशेंट की इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो अनोलस डेटा के फॉर्म में भी शेयर हो सकती है या फिर वो वैसे भी क्योंकि वो अपने मेडिकल कम्युनिटी के अंदर रहनी है उसके बाद वैन डिसक्लोजर इज़ गुड फॉर पेशेंट और पेशेंट्स फैमिली चाइल्ड एब्यूज टर्मिनली इल पेशेंट टर्मिनली टर्मिनली इल पेशेंट्स में जैसे लाइक कोई ओल्ड मैन है वो बहुत ज़्यादा इल पेशेंट है तो उस केस में स्पेशल कंडीशन होती है कि आप उनके बच्चों को बता सकते हैं व्हेन शेयर्ड इंफॉर्मेशन इज़ इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी लाइक इन केस ऑफ पोलियो एड्स एस तो इनके केस में लाइक इट्स गुड फॉर द सोसाइटी तो ये वो सारे जो हमने फॉरेंसिक में पॉइंट्स पढ़े थे ना क्वालिफाइड प्रिवलेज एब्सोल्यूट प्रिवलेज तो वो सारे उसमें आए हैं वो प्रिवलेज कम्युनिकेशन आ रही हैं बेसिकली इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स मैटर ऑफ लॉ पब्लिक हेल्थ कंट्रोल ऑफ डिजीजेस इन सब केसेज में भी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो सकती है फॉर रिसर्च पर्पज बट एज अनोमस डाटा तो अगर आपसे उस स्टेशन पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किन किन कंडीशन में कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो सकती है आपसे एग्जामिनर पूछा तो फिर देन यू हैव टू फेस टू एग्जामिनर और उनको आपने ये आंसर तो करने इन इन कंडीशन में कॉन्फिडेंशल्टी ब्रीच हो सकती है अदरवाइज़ जो इसका सारा परफॉर्मेंस है वो यही होगी कि आपने जाके साम लेना है अपना इंट्रोडक्शन कराना है उनसे पूछना है उनका क्या नाम है उनका कैसे आना हुआ आ, अगर वो बताते हैं कि वो किसी से मुतिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आपने पूछना है क्या ताल्लुक क्या आपका उनके साथ आपका क्या रिश्ता है और आप क्या जानना चाहते हैं उनके बारे में पहले ये पूछ के कि क्या जानना चाहते हैं उसके बाद बताना है कि लाइक हम बता नहीं सकते पहले नहीं कहना कि हम बता नहीं सकते पहले पूछना है उसके बारे में कि वो बेसिकली जानना क्या चाहते हैं और देन सारा बता के कि हम मेडिकल एथिक्स के ख़िलाफ़ हैं हम नहीं बता सकते किसी को अगर कोई स्पेशल कंडीशन होती तो हम बता सकते थे आ, लेकिन आपके मेरी और आपके इस कन्वर्सेशन के बाद भी आपके जो से रिलेटिव के उसकी ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से जारी रहेगी और वो अर्ली रिकवरी भी होगी उनकी इन और फिर पूछना कि आपको मेरी बात समझ में आ गई है कि मैंने क्या कहा है और देन अल्लाह हाफिज़ दैट वॉज ऑल अबाउट एथिकल कॉन्फिडेंशलिटी सीनारी